यस यस। अरे मैं बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट का आपका करवा दूंगा मैं, कितने लोगों टोटल आप कराइए? वही अप्रोक्सीमेटली 20-22 जनों का है अप्रोक्सीमेटली। यस अच्छा ठीक है, तो मैं बताता हूँ उसका चार्ज आपको पता होगा शायद 150। जी जी बिल्कुल बता। और इसमें पोहा, पराठा, मिल्क, कॉफी। जी जी बिल्कुल कराइए आप। और ब्रेड जैम दूध। दैट्स राइट दैट्स राइट। ठीक ठीक है जी, थैंक यू। ओके ओके। कितनी देर में आ रहे हो? मैं 5 मिनट के अंदर, रास्ते में ही हूँ मैं। 5-10 मिनट्स आई बी देयर। बाकी सारे लोग भी आ रहे हैं, सबको मैंने वहीं गैदर करने के लिए इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है तो मैं तैयारी कराता हूँ। जी जी बिल्कुल आप कराइए। ओके अब जैसे गड्ढा है तो मैं स्टेबलाइजर यूज़ नहीं कर, ये जो रोड शराब थी ठीक है तो बहुत शेक हो रहा था कैमरा, तो मैं स्लो मोशन यूज़ कर गया ताकि मेरा मोशन खराब हो। ठीक है 1 दबा के स्लो मोशन रिकॉर्ड करता। व्हाट आर योर प्लान फॉर टुडे? टुडे वी आर ऑलरेडी लेट बिकॉज वी वर पार्टिंग लास्ट नाइट, एवरीवन वाज पार्टिंग। We are staying in 2 different Zostel. One is Zostel-Lex, one is Zostel-Pushkar. One is in city and we are staying in outskirts, in middle of forest, in jungle somewhere. So right now everyone is gathering at Zostel, and we'll be having breakfast there. Sir, what about the equipments? Equipments today we are using, like right now I am carrying my Leica M10 with Noctilux and wide-angle lens. In afternoon we'll be conducting a workshop on lighting, and that we'll be using Profoto Outdoor Lights 2B1X along with Magnum reflector, one 2-foot softbox plus one giant XL umbrella. So we'll be using these equipments, and the best part is we'll be also be using Hasselblad today for street photography, which is no one does it, but we are going to do something, we're going to try something weird. It's like experimentation. We'll be doing street photography with Hasselblad today, which is only meant for commercial, high fashion, product, food, interiors. So I don't think anyone does street photography with Hasselblad, but we'll be doing it today. जी सर। यस सर बनियो। और कहाँ पर आप सारे कहाँ पर हो? सही नहीं अभी अभी करें। ज़ोस्टल में पहुँच गए आप सारे? सारे ही। चलो ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ, बाकी ब्रेकफास्ट इनका रेडी हो रहा है। सो आई विल बी रीचिंग देयर इन 5 मिनट्स हार्डली, एंड देन वी विल हैव ब्रेकफास्ट देयर, देन वी विल मूव समवेयर एल्स। ओके ठीक है चलो ओके। मतलब जैसे ये हो रहा है ना आगे कैमरा जा रहे हैं। आई गेस वी आर गोइंग, वी हैव टू गो दिस वे और दैट वे। सो दिस वे। आर यू श्योर? हां लेफ्ट में है। और मोशन दोनों तरफ है ही रास्ते याद हो गए। अरे यहीं जाना था, पक्की बात है? नहीं मुझे नहीं ना So right now we are in Zostel. Hi. So playing pool. अरे तेरा गिटार कहाँ है यार? नहीं गिटार यहाँ पर कोई लेके आया था गिटार? ट्रैवलर में? तो गिटार बजा यार। खाली बोर कर रहे यार, गिटार लेके आया इसके लिए। जा खड़े हो गिटार लेके। तो गिटार लेके रचित गिटार बजाएगा, मैं बोर हो रहा हूँ यार। So these are the rooms. Oh, sorry. सारे एक ही टीम के वैसे यहाँ पर प्रतीक धवन, सारे फोटोग्राफर के हैं। फाउंडर एंड डायरेक्टर प्रतीक धवन। कल मीटिंग। Sorry. Yes. चलो आप भी शूट करने आए हो? Which gadgets you are using? I'm using M15, f/24, f/25, and a brightness. Okay. चलो गुड लक। आप अभी आया हो? या मैं सुबह। ओके सुबह आया हो। वहाँ हो क्या है फिर में? अभी नहीं अभी नहीं हो गया। कब जाओगे? अभी बस निकल रहा हूँ। ओके जस्ट लीविंग। ब्रेकफास्ट कर लिया आपने? हाँ ओके। चलना हो तो हमारे साथ चल सकते हो, वी हैव स्पेस। ओके फ्रेंड्स आते हैं, चलो दैट्स व्हेन आई विल ड्रॉप यू, नो वरीज एट ऑल। This is the pool of Zostel. हाँ आ जाओ ऊपर चलते, ऊपर है ना। So this is Zostel, very cool place. This is a chilling room they have here. They have some tents here. यहाँ क्या ऐसे लगा रखे हैं इन्होंने, क्या कोई सोता है अंदर? I think there are people who are sleeping here. Huh? Backpackers only. Backpackers you stay overnight and all. Okay. Last night because there were people sleeping here. सही है, बढ़िया. Some people are sleeping here. Some people are chilling here. और भी ऊपर कुछ है इंटरेस्टिंग, क्या है ऊपर? अच्छा ये इनके बिगर रूम्स। अरे मेरा लाइका किसके पास है? लाइका हमारे साथ गाड़ी में कौन था? अब्दुल का है, अब्दुल सर को बुलाओ। हेलो एवरीवन, आज हमारा पुष्कर में दूसरा दिन है और आज हम लोगों की शुरुआत इस गाने से हो रही है। जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप, ये भाई अपना बजा रहा है। कल हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे बट ठीक है, आज भी हम लोग लेट हो गए हैं। अब देखते हैं कल क्या होगा अभी जाके। सो अभी भाई अपना सॉन्ग बजा रहा है, जरा फोकस करना। म्यूजिक ऐड कर देना, मुंह मिला देना। कोई बात नहीं, भाई नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, उससे कोई बात नहीं। लेकिन अभी हम लोग बैठे हुए हैं और अपना कुछ भी जो है हम लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। बाकी आज हम लोग का पुष्कर का दूसरा दिन है और आज हम लोग शाम में जाएंगे, बहुत बुरा लगेगा। सो आज हमारे साथ वैशाली जी हैं और इनको आए हुए एक दिन हो गया है, आज दूसरा दिन है। वैशाली जी से पूछेंगे कि कल इन्होंने क्या किया और आज क्या करेंगे। बताइए वैशाली जी, कल आपने क्या क्या किया, क्या शॉट्स लिए, क्या एक्सपीरियंस लिया? एक्सपीरियंस तो डिफरेंट था, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हमने पुष्कर मेला शूट किया, उधर बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स मिले, स्ट्रीट बहुत अच्छा शूट हुआ, कुछ मतलब ऑल ओवर टोटल अच्छा एक्सपीरियंस था। आज भी हम पुष्कर एक्सप्लोर करेंगे पूरा दिन और रात को वापस निकलेंगे। तो आज आप क्या करेंगे? आज आप क्या प्लान करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे पूरा, कुछ और स्वीट्स वगैरह और लेंगे। तो आप वैशाली जी को काफ़ी एक्सपीरियंस मिला और आप इससे देख सकते हैं कि ट्रिप आने का एक फ़ायदा होता है। तो अमन भाई बताइए, आपने क्या एक्सपीरियंस किया इस ट्रिप में, पुष्कर वाले ट्रिप में? इस बार हम कॉलेज के साथ, डेली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी के साथ आए हैं पुष्कर ट्रिप में, तो हमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ इस बार। हमें कभी ऐसे आज तक हमें लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस नहीं करी ये चीज़ें, कैमल फेयर का। तो सब बच्चों ने बहुत इन्जॉय करा। तो अभी हम आज का हमारा प्लान है स्ट्रीट में जाने का। एक बार हम स्ट्रीट में जाएंगे, स्ट्रीट फोटोग्राफी करेंगे, यहाँ के कल्चर के बारे में जानेंगे और आफ्टर डेट हमारा प्लान है वैसे वेल आज का कि हम पुष्कर फेयर में फिर से एक बार जाएँ, तो ताकि कल का जो कुछ रह गया था उसको हम आज कंटिन्यू कर पाएँ। भाई तनिष्क और तनिष्क, अरे दिक्कत हो गई है। हम पुष्कर फेयर, कैमल फेयर में गए थे, हमने वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फोटो ली और मतलब बहुत मज़ा आया। और क्या मज़ा आया, मतलब बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था कि साल में एक बार और #1 फेयर है सबसे पहली बार। नहीं मुझे मज़ा आया, कुछ अलग ही देखा। नहीं हाँ मतलब फोटोज अच्छी मिल रही, फोटोज क्रिएटिव शॉट्स मिल गए, कैमल की और क्रिएटिव शॉट्स भी बनाए, बाकी झूले झूले और झूले में क्या वेरी डेंजरस राइड्स थी बहुत ज़्यादा। चलिए और आज क्या करेंगे आप लोग? आज हम एक्सप्लोर करेंगे, पुष्कर जाएंगे और शाम को फिर जाएंगे कैमल फेयर में। हेलो हेलो करो, हेलो। चलो सारे पैकअप करें, लेट्स गो, मूव फ्रॉम हेयर, चलते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको गले में डाल लो भाई, इसको नेक में डाल के रखो। आइए हम इसका चेकआउट कर लें। आपके यहाँ बॉक्स नहीं है, बॉक्स नहीं है, आप इस किचन स्टाफ के लिए नहीं होता, तो आप किचन वाला स्टाफ को दे देना। सर हो रहा है ऑर्डर, आओ सारे बैठना शुरू करें सारे, लेट्स गो। फ्रंट से लेते हैं कॉपी तो, लेकिन जो पिक्चर आएगी वो पूरी 360। बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, पिक्चर को आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यू कैन मूव पिक्चर, कभी 360 नहीं होगी, राउंड हो जाएगी वो। हाँ, और इसमें आप देख भी सकते हो। यार लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा, कार्ड बहुत जल्दी। ये लोगों डस्ट सेंसर पे ठीक हो गया, इसमें दिया मुझे वो उसने वैशाली ने। रंजोत एक ग्रुप पिक्चर क्लिक करो एंड लेट्स मूव फ्रॉम हियर। सारे आएंगे भाई, हम तो मेरे को ये आना आना आना। अरे मैक्सिमम जने आ जाओ, सारे सारे आ जाओ, ज्वाइन। बीच में Bye. तो दिस इज़ आवर सेकेंड डे और हम लोग मेले पे जा रहे हैं अभी, क्योंकि कल प्रॉपरली शूट नहीं हो पाया था, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और कल सोने में भी लेट हो गए थे और एसी बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, पहले पेट्रोल भरेगा फिर एसी चलेगा। सही पकड़े हैं। और हमारी तीनों गाड़ी साथ में जा रही है और मैं थक गया हूँ शूट कर करके। हेलो रचित, हेलो हेलो एवरीवन। So now we are heading to shoot camels with Hasselblad and Profoto. So now we are going to shoot camels with Profoto B1X and Hasselblad H300C. Rachit, how are you feeling? Oh yeah, fantastic view. इतनी जल्दी हेलीकॉप्टर ड्राइविंग फन। यो हेलो एवरीवन, आ जाओ भाई। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो सर। सो वी आर बैक, राइट नाउ वी आर इन पुष्कर फेयर, camel fair. We have decoppers all around. Where is Prabjot? Where is Asif? Ah, let's go it. अरे कौन है? ये डिकॉपर्स से हाय टू सर वी आर लाइव पूछे हो तो ऐसी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर, मजा आया बहुत ज्यादा, एंजॉयिंग यार वेरी मच सर। अरे ये भी बेकार रहेगा। एक्स डिकॉपर्स आतंकवादी आ गए। ये क्या आतंकवादी बने हो तुम? ये धूप से बचने का इलाज। ओह सुबह से ऐसे ही है। काले कपड़े गए तुम्हारे यार सर, काले कपड़े सर इनमें ऊपर से देख लिया 360 आ रही है सर। आयो एक्स डिकॉपर्स ऑल अराउंड। पुष्कर इज कैप्चर्ड बाय डिकॉपर्स राइट नाउ सर। विल बाय कैमल्स हियर। आप हम क्या प्लान कर रहे हैं? सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज वी गोना बाय वन कैमल एंड वी आर गोना ट्रेन दिस कैमल एज अ फोटोग्राफर। ओ ये हम कैमल्स को भी फोटोग्राफी सिखाएंगे और फिल्म मेकिंग सिखाएंगे और हम उन्हें ड्रोन उड़ाना भी सिखाएंगे। यस इंडीड। अरे ड्रोन शॉट कितना प्यारा होता है। वेरी एक्सीलेंट परफेक्ट प्लेस। एसयूवी आई गेस वी शुड गो एंड ब्रिंग अनदर एसयूवी हियर एज वेल। यस सर, दिस इज व्हाट एसयूवीज आर मेंट फॉर 4x4s। वी गोना टर्न ऑफ द सनरूफ। We were using Insta 360 from this sunroof, but now we're not using. Let's close this thing too. Orange. X decoper Jordan. हमारे पास Jordan भी आ गया। अरे क्या करा भाई? कल क्या ढूंढ रहे देखो। All decopers around. हमारे साथ क्यों नहीं आया भैया? अरे सर मैं पहले जयपुर था, उसके बाद आया हूँ यहाँ पे मैं। जी क्या है, क्या बना रहे हो? बाटी है, बाटी ये बाटी है, दाल बाटी, दाल बाटी राजस्थानी, दाल बाटी चूरमा। ये तो 30-35 साल से यह दुकान लगती है, यह बनाते हैं। तो आपके यहाँ भी लगाते हैं दुकान? हाँ, परमानेंट रहती है, परमानेंट रहती है। मतलब 30-35 साल से दुकान? हाँ हाँ जी। तो 30-35 साल से आपने कितने बदलाव देखे यहाँ पे? पहले बहुत होते थे। हाँ, अब कम हो रहे। ऊँट, घोड़े, बैल, पाड़े, सब जानवर बहुत कम आ रहे। पहले भैंसे आते थे, बैल आते थे, गाय आती थी, अब नहीं आ रही। अब केवल घोड़े और ऊँट आ रहे हैं। वजह क्या है, क्यों नहीं आ रही? मोदी ने बंद कर दिया जानवरों का मेला भंडार, तो कहाँ से आएगी? पहले तो ऊँट का दूध भी बनता, अब चालू करवा दिया। हाँ, अलग तो अब भारी घोड़े और ऊँट अब आएंगे, घोड़े, भैंसे और ऊँट। अब भारी जानवर अभी आएंगे 2 दिन बाद पे, वो 2-3 दिन रहते हैं कुल। वो इनाम लेने के लिए आते हैं, लाखों रुपए की कीमत होती है। रस्सी पकड़ लो, गिरेंगे नहीं ना। सो अब हम लोग अभी फ्री बैठे हुए थे, आगे ले लो भैया कोई बात नहीं। अभी हम लोग फ्री बैठे हुए थे, अब बच्चों के बाद मैं हॉर्स राइड ले रहा हूँ और बहुत अनकम्फर्टेबल है, और इसमें कोई वो भी नहीं लगा हुआ, पूरा पसीने में पूरा बता नहीं सकता था पहले। तो अभी हम लोग बैठे हुए थे और अचानक से हमने हॉर्स देखा और हमने सोचा कि उस चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड किया जाए। तो पहले तो मैंने ट्राई किया, अचानक से सर का मन कर गया, तो अब तो सर भी राइड किए हैं और काफ़ी अच्छा लगा इसको करके। और हमने काफ़ी कुछ घोड़े का भी एक्सपीरियंस स्ट्रिप में ले लिया। सो आप देख सकते हो क्या हो रहा है। वो जिस पे बैठे थे वो थक गया। ये हमारे सर हैं, इनका हो गया पूरा पेंट गीला, वो भी इनका पसीना नहीं है, ये है हॉर्स का और मेहनत का पसीना है। घोड़े के मेहनत का पसीना है, कहने का मतलब ये है। वो गिर जाएंगे, वो तो भाई तो मेरी इन शॉर्ट, और इसने मुझे बताया नहीं, और ये अभी अभी ये बैठा था, खूब पसीनों में होकर आया, ये भी अच्छे से लथपथ होकर आया। और मैंने कहा मैं भी ट्राई करता हूँ, वीडियो बनाते हैं डॉक्यूमेंट्री के लिए, कुछ फुटेजेस काम आ जाएंगे। बट इसने हरकत ये की, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं बैठ गया। बैठ के पहले मेरे पूरे हाथ गीले हुए, उसके कुछ सेकंड के मुझे महसूस हुआ मेरी पैंट भी गीली हो गई और पूरा भीगा पड़ा हूँ। मुझे मज़ा आया कि नहीं आपको? बेटा मुझे ज़रा सा भी मज़ा नहीं आया। एक तो उसकी आपने राइड ही नहीं ली, राइड नहीं ली। मैं कहा भाई गर्मी लग, वो गीला पूरा हो जाता, इसलिए हट गया मैं। और अभी बहुत ज़्यादा धूप है, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं।100 मेगापिक्सल कैमरा with Profoto lights. Right now we are using Magnum reflector. Later on we'll be testing 3 modifiers today. One is Magnum, which will give hard light. इसके बाद हम use करेंगे 2 feet octa, which is comparatively softer. It will give soft light, but size छोटा है उसका, तो थोड़ी सी hard shadows वो देगा. उसके बाद हम use करेंगे deep octa 5 feet 1, that is also Profoto. इसके बाद हम वो use करने वाले हैं. अब क्या होगा यहाँ पर, अगर कोई कैमल वाला जैसे ये खड़े हैं, जैसे शेपर्ड खड़े हैं, इनके ऊपर लाइट नहीं आ रही. कैमल के ऊपर लाइट है बट इनके ऊपर लाइट नहीं आ रही. सो विल बी टेकिंग सम काइंड ऑफ शॉट जिसके अंदर हम उनको खड़ा करेंगे, विल पुट लाइट ऑन देम एंड पीछे बैकग्राउंड के अंदर कैमल्स आर देयर ऑलरेडी. जो बड़ा वाला रिफ्लेक्टर हम यूज़ करेंगे उसके अंदर तो लाइक एवरीथिंग विल बी कवर्ड, पूरे इन्वायरमेंट को वो लिट कर देगा बिकॉज इट्स सो ह्यूज. विल कीप इट फार एंड इट विल लिट ऑलमोस्ट एवरीथिंग हियर वट एवर कम्स इन इट्स वे. ट्राई करें शॉट. किसको बुलाया जाए यहाँ पर, किसी शेपर्ड को? आइए एक बार हमारे साथ, बस यही खड़े हो जाओ आप. लाइट कितने पावर पे है अभी? फर्स्ट वी शुड ट्राई वन विदाउट एनी रिफ्लेक्टर, एनी लाइट्स. Subject पे light is not enough, I would say. Right? Yes. Now we'll take another one. Lights on करेंगे हम. This was the previous shot where subject is not lit. Yes, sir. If you see, subject के ऊपर light नहीं आ रही. Yes, sir. It's not enough light here. Now we're gonna move to next shot. इस शॉट के अंदर इफ यू सी सब्जेक्ट हैव मोर लाइट एंड इट्स मोर अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग. वेरी नाइस. सो दिस इज हाउ वी हैव लिट आवर सब्जेक्ट. दिस इज Profoto. Then we need more stronger lights. Why? Already very very strong. तो हमें लाइट ऐसी चाहिए जो उस टाइम राइट सनसेट हो रहा है. सनसेट के अंदर अगर हमने हाई पावर पे लाइट लगाई क्या होगा, बता सकता है? बिल्कुल दबा देगा वो सन की लाइट को फील कर देगा. आपको ऐसा लगेगा. आई विल शो यू लाइव राइट नाउ. अभी हम एक शॉट लेंगे हम फुल पावर पे. देन विल सी कि फुल पावर पे लाइट क्या कर रही है. हाउ द लाइट इज डिस्ट्रॉइंग आवर पिक्चर. देन टेक अनदर शॉट. उस शॉट के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपने ISO को इंक्रीज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द लाइट. देन वी विल गिव एक्स्ट्रा लाइट जस्ट टू गिव अ स्मॉल हिंट. नाउ इफ यू सी व्हाट वी हैव डन इन दिस शॉट, वी हैव यूज्ड ISO 100. ठीक है, ISO हमारा 100 है. दिस लेंस कैन ओपन 4.8 व्हिच इज द मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ दिस लेंस. वी हैव ओपनड इट. अब मैं क्या करता हूँ, एक शॉट लिया मैंने लाइट के साथ, एक शॉट लूँगा मैं लाइट ऑफ करके टू सी दी रिजल्ट, ताकि मैं आपको डिफरेंस दिखाऊँ कि लाइट के साथ हम क्या कर रहे हैं. अब एवरीवन विल गेट टू शॉट विद Hasselblad टुडे. दिस इज गुड न्यूज़ फॉर यू. ठीक है. नाउ दिस इज दिस शॉट एट ISO 100 विदाउट लाइटिंग. सो इट्स लाइक ए सैल्यूट. हमने लाइटिंग के साथ एक सैल्यूट क्रिएट किया एंड देन सेम शॉट विद लाइट. वी गिव अ पिंच ऑफ लाइट. हमने लाइट भी दी एंड 100 मेगापिक्सल कैमरा विथ 100 ISO. जितना मर्जी इसको आप जूम कर लो, पिक्चर को कुछ नहीं होने वाला. नो मैटर वेयर एवर यू जूम. आई गेस दिस इज 400% जूम नाउ. आप इसे इतना पार्ट भी निकाल के यू कैन प्रिंट इट. लुक लाइक माउंटेन्स नाउ. ऐसे लग रहा है पहाड़ दिख रहे हैं ये वाले. ऐसे बता नहीं सकता ये ऊँट है. अब 400% zoom. अभी ट्राइपॉड आ रहा है. मिस्टेक इज मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राइपॉड उठाया, नेक खोल दी, वो हिलती रहती है, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन रहती है उसके अंदर, विच इज नॉट गुड. तो फर्स्ट थिंग इज क्या करना है हमें, स्ट्रॉन्गेस्ट है. नाउ इसके अंदर क्या है Hasselblad के अंदर, सबसे पहले Hasselblad के अंदर क्या होता है, इसका शटर कहाँ होता है, पता है किसी को? आपके कैमरे का शटर कहाँ है? कहाँ है शटर, कहाँ है? दोस्तों बोलो। सेंसर के आगे। आपके कैमरे में सेंसर के आगे। आपकी लाइट के साथ सिंक स्पीड कितनी है? मैक्सिमम सिंक स्पीड जिसके साथ आप लाइट ट्रिगर कर सकते हो। 200 इज द मैक्सिमम यू कैन गो। निकॉन का जैसे D4 इज द मैक्सिमम वी कैन गो इज हाउ मच? 1/250. So D4 is one of the fastest camera जिसके साथ हम लाइट सिंक। Hasselblad के अंदर कहाँ है? There is no shutter in body. लेंस में शटर है, हर एक लेंस के साथ शटर है। मैक्सिमम सिंक स्पीड 1/2000 विदाउट एनी HSS। लीफ शटर कहते हैं जो आपके लेंस के अंदर ही होता है। सर उसने टी-शर्ट नहीं पहनी। बढ़िया। लाइट की पावर कितनी है? लाइट की पावर हम कम कर रहे हैं और आईएसओ को बढ़ा रहे हैं ताकि डार्क ना आए, पीछे का जो सीन है वो भी आए इसके अंदर। नो प्लीज कम, ट्रू फोकस, फोकस करो और शॉट लो। बैक बटन फोकस इस पे बैक किया दबाओ। दिस इज द बटन व्हिच यू नीड टू प्रेस, ट्रू फोकस। फोकस होगा ना, प्रेस द बटन कर थोड़ा सा। अब great shot. Yes or no? 100%. Next, now please everyone come and try. So can we see the picture? Yes, you can see the picture. If you see the picture here, if you see the lighting outside, पीछे की आप lighting देखो. Now this is the shot and मजा नहीं आया. See, इस वाले shot के अंदर क्या हो रहा है? Subject पे जो पीछे का background देखो. Now it's blue hour. It's coming very very dark. और लाइट की पावर पे हम शॉट ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? नहीं, अब हम लेंगे एक शॉट इससे। नाउ विल यूज दिस वन। और अगर हमें लगेगा कि कैमल के ऊपर लाइट नहीं है, इससे हम कैमल को लिट करेंगे और इससे हम भैया को लिट करेंगे। तो एक लाइट यहाँ रहेगी, भैया की लोकेशन थोड़ी आगे होगी एंड देन विल लिट बोथ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट हमारा भैया है, एक सब्जेक्ट हमारा कैमल है। आगे आ जाओ, थोड़ी सी पीछे हो जाओ। अब क्या है, ये जो हमारी लाइट है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसकी पावर कम करें या उसकी बढ़ाएं। जो सेम लाइट है वो बड़े लाइट सोर्स से आ रही है। आसिफ वीडियो छोड़े कैमरा। ₹50 आगे जमाते नहीं जा रही तुम्हारे उम्र को। 1 2 3 4 5 ये मेरी तरफ से रखो। चलो अंदर। कोलंबस बाय। एक दूसरा उर्वशी जाएगी कोलंबस वो शेप पेंडुलम हाँ पेंडुलम ठीक है। तो नया वो है पर उसमें ज़्यादा वो कौन सा वो जो ऐसे में डायगनल है वो सामने डायगनल है ऐसे ऐसे मजाक नहीं कर रही इस पर कूदते हैं बहुत फन होगा। बुरा तो नहीं गया सामान बन जाएगा जोजो जाएगा जोजो जाएगा इधर आ जाओ। एक हाँ सर मैं भी चल रहा हूँ 5 और वैसी पक्का 5 और कोई है और कोई है। ये लो ये लो ये लो सर ना सर सर डरते हैं। मेरा नाम वल्लभ महापात्र, मैं उड़ीसा का हूँ और यहाँ पुष्कर में जो अजय रावत मेरा फ्रेंड है वो एक्चुअली यहाँ पे एग्जीबिशन कर रही है और इस एग्जीबिशन में मुझे बुलाया है राजस्थान में। इस पुष्कर में आके स्टैंड आर्ट, काफ़ी स्टैंड आर्ट भी बनाई है, 4-5 मैंने बनाया और अजय रावत वो भी 4-5 बनाई है। अभी भी हम लोग का काम चालू है, 7 तारीख को यहाँ कंप्लीट हो जाएगा और मैं भी अभी वो कैमल का ऊपर बना रही है। और यहाँ पे भी बहुत टूरिस्ट आते हैं, विदेश से भी आते हैं देखने के लिए और इस पुष्कर मेला में इस स्टैंड आर्ट को बहुत लोग देखने के लिए बहुत दूर दूर से आ रही हैं और भी आगे बहुत कुछ काम भी करना है। Hi, I'm Mansi. We are at Pushkar Fair and we've displayed our stall here for the first time. So we have 2 brands here. One is hers, which showcases the jewelry part. It's Ashkala, and mine is Ordal. So we make some posters and bookmarks. And apart from this, we have jewelry, which is gemstones and oxidized silver, which are in trend, hand painted. So yeah, we're looking for some support, and that's it. We just started our brand. So this part showcases the customized jewelry. This has been designed by Payal Vijayvergia, who's the owner of Ashkala, and these are gold plated. Hey guys, it's me Rachit here, and like we just came from Pushkar, and like I had a good experience over there. एक बार अपना सामान दिया, फिर equipments के लिए round लगना है। ज़्यादा नहीं, सबका एक ही round लगेगा अगर सब एक साथ चले, ठीक है? It's 6th of November. We just came back from Pushkar. We really had some fun time there, and oh, look at them, show them the faces. Everybody's tired, I guess, and you guys slept? But I did. Right, so I'm just gonna go home and sleep like a sloth. Peace out.